रोग समाधान में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक्जिमा जो चमड़ी का रोग है इसको दूर करने के लिए कुछ घरेलू नुस्खे बताने जा रहे हैं। आप इनको इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको इनसे लाभ हो तो इनको सब्सक्राइब लाइक शेयर अवश्य कीजिए। और आप चाह रहे हैं कि वीडियो की सबसे पहले जानकारी आपको मिले, आपके सामने जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपको जानकारी मिल जाए। घरेलू नुस्खों में नंबर एक, 250 ग्राम सरसों का तेल लेकर लोहे की कढ़ाई में चढ़ाकर उसके नीचे अग्नि जलाएं। जब तेल खूब उबलने लगे तब उसमें 50 ग्राम नीम की कोमल कोपल डाल दें। कोपलों के काली पड़ते ही कढ़ाई तुरंत नीचे उतार लें, अन्यथा तेल में आग लग तेल जल जाएगा। ठंडा होने पर तेल को छानकर बोतल में भर लें। दिन में 3 से 4 बार एक्जिमा पर लगाएं, कुछ ही दिन में एक्जिमा नष्ट हो जाएगा। एक वर्ष तक लगाते रहें तो फिर कभी रोग नहीं होगा। यह आपको एक घरेलू नुस्खा बताया, आप इसको इस्तेमाल कीजिए और इससे आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिले। नंबर दो, पके केले के गुद्दे को नींबू के रस में पीसकर और मरहम के समान बनाकर लेप करें। लेप करने से कुछ ही दिन में आपका एक्जिमा में बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। नंबर तीन, कटहल के नरम पत्तों को पीसकर उनका लेप बनाएं और एक्जिमा पर लगाएं। एक सप्ताह में एक्जिमा ठीक हो जाएगा। नंबर चार, गोंद कतीरा 10 ग्राम भांग 3 ग्राम। गोंद कतीरा को पानी में भिगो दें, भांग को अलग पीस लें। जब गोंद फूल जाए तब दोनों को मिलाकर खूब पीसकर एक जान कर लें, अर्थात मिक्स अच्छी तरह से दोनों हो जाएं। इसे 3 से 6 दिन तक एक्जिमा पर लगाएं, एक्जिमा समाप्त हो जाता है। नंबर पाँच, धतूरे की बंद कलियां लेकर गर्म राख में भून लें, फिर सिल पर पीस कर रुगदी बना लें। इसमें एक रत्ती नीला तोता भी बारीक पीस कर मिला दें। इसे एक्जिमा पर लगाएं, पुराने से पुराना एक्जिमा नष्ट हो जाता है। नंबर छह, केले का छिलका एक्जिमा पर घिसें। शुरू में एक्जिमा फूलेगा, कीटाणु बाहर निकलेंगे। लगातार 1 महीने तक हर रोज रगड़ें, इसे कुछ दिनों में आपका एक्जिमा दूर हो जाएगा। नंबर सात, गेंदे के फूलों या कोमल पत्तों को भी एक्जिमा पर रगड़ने से आपका एक्जिमा दूर हो जाता है। आपको ये कुछ घरेलू नुस्खे बताए, आप इनको इस्तेमाल कीजिए। अगर आपने इनके बारे में कोई भी पूछना है तो हमारे कमेंट कीजिए और आप इनको जब आपको लाभ हो इनको सब्सक्राइब लाइक शेयर अवश्य कीजिए।